स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5, पेरीमीटर एंड एरिया। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। जो एक स्क्वायर होता है उसकी फोर साइड्स होती हैं और फोर कॉर्नर्स होते हैं और वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती हैं, फोर कॉर्नर्स होते हैं, जिनकी जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं। पैरामीटर सिंपली गोज फॉर ए स्टिचिंग क्लास। शी सपोज टू स्टिच रिबन अराउंड द एजेस ऑफ ए टेबल मैट। द टीचर आस्क्स हर टू कट द रिबन रिक्वायर्ड फॉर द टेबल मैट, बट शी डजंट नो हाउ मच रिबन शुड बी कट। द टीचर एक्सप्लेन इट टू हर। सिंपी जो है वो स्टिचिंग क्लास में जाती है, उसको वहाँ पे बताया जाता है कि उसको एक रिबन बनाना है टेबल मैट के लिए। अब टीचर उससे बोलती हैं कि तुम रिबन काट के लाओ ना टेबल मैट के लिए, पर उसको वो कहती है कि उसे नहीं पता है कि रिबन को कैसे काटना है। फिर उसकी टीचर उसको बताती हैं, टेक द रोल एंड होल्ड इट अलॉन्ग द एजेस ऑफ द टेबल मैट। यू कैन मार्क द लेंथ विद अ मार्कर। कट द रिबन वेयर द मेजरमेंट ऑफ द एजेस एंड्स। द रिबन विल लुक लाइक दिस। एक रोल लो, उसको टेबल की एजेस पे रखो और मार्क करके उसको काट लो, फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ यू कैन मेजर द रिबन बाय मेजरिंग ईच पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, द सेकंड पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, द थर्ड पार्ट इज अगेन 3 सेंटीमीटर एंड द फोर्थ पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द रिबन इज। अब आप इसको मेजर भी कर सकते हो कि पहला पार्ट 3 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट 5 का, फिर 3 का, फिर 5 का, तो ये टोटल हो गया 16 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ हुई पूरे पेरीमीटर, जो लेंथ होता है उसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर और शेप इज़ द टोटल डिस्टेंस अराउंड द एजेस ऑफ द फिगर और शेप। जो पेरीमीटर होता है किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का, वो पूरा टोटल डिस्टेंस होता है उसकी एजेस का। वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। स्क्वायर समीरा वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड द क्वेश्चन कवर। All sides of the cushion are equal and one side of the cushion cover is 15 centimeter long. How much lace she will need to put around the cushion cover? जो समायरा है उसको एक cushion cover पर lace लगानी है। जो cushion है उसकी सारी sides equal से, पर उसकी जो एक साइड है वो 15 centimeter, और उसकी जो एक साइड है वो 15 centimeter की है, तो उसे कितनी lace चाहिए पड़ेगी cushion cover में लगाने के लिए। तो अब उसकी अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम सबको प्लस कर देंगे। फोर साइड्स होती हैं एक स्क्वायर में, क्वेश्चन कवर स्क्वायर होता है ना, उसकी एक फोर साइड्स होती हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 मतलब कि 60। तो हमारा 60 सेंटीमीटर लेस उसको ज़रूरत पड़ेगी। जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। रेक्टेंगल समारा वॉन्ट्स टू पुट द सेम लेस अराउंड द पिलो कवर्स एज वेल। टू साइड्स ऑफ पिलो कवर आर 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। द अपोजिट साइड्स ऑफ द पिलो कवर आर इक्वल। अब समायरा को वही लेस एक पिलो कवर पे भी लगानी है जिसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है, एक साइड 25 सेंटीमीटर है। अब पिलो कवर क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होती हैं। तो हम दोनों साइड्स को प्लस कर देंगे, मतलब 25 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 15। तो हमारी टोटल कितना है? 80 सेंटीमीटर लेस उसको ज़रूरत पड़ेगी। अब पेरीमीटर जो होता है वो होता है रेक्टेंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल द स्कूल बुलेटिन बोर्ड इज टू बी डेकोरेटेड विद द पोस्टर। सिमी मेक्स अ ट्रायंगुलर पोस्टर ऑन सेव वाटर। शी वांट्स टू पुट अ शाइनी रिबन अलोंग द एजेस। हाउ मच रिबन विल शी नीड इफ द साइड्स ऑफ द पोस्टर आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। जो जो सिमी है उसको अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर लगाना है सेफ वाटर पे, जो कि ट्रायंगल शेप का है। उसके लिए उसको पहले जो पोस्टर है उस पर शाइनी रिबन लगाना है उसके एजेस पे। जो पोस्टर की साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, तो उसको कितना रिबन ज़रूरत पड़ेगी? अब पेरीमीटर मैंने भी क्या बताया था, ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। 5 प्लस 7 प्लस 9, तो 21 सेंटीमीटर। Some other shapes. A garden has to be fenced with wires. How much wire will be needed for the fence? अब एक garden है उसको fenced करना है wire से, पूरे उसको पूरे चारों ओर wire लगाने हैं, तो हमें कितने wire की ज़रूरत पड़ेगी fencing के लिए? तो अब इसमें ये sides दिए हैं पूरे garden की,
इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल जो आएगा 26 सेंटीमीटर आएगा। अब 26 सेंटीमीटर में वायर की ज़रूरत पड़ेगी। टू फाइंड वन साइड ऑफ अ शेप हुज पेरीमीटर इज गिवन वी यूज अननोन साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ ऑल द गिवन साइड्स। अब अगर हमें किसी की एक साइड निकालनी है और हमें उसका पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहले पेरीमीटर लिखेंगे, उसमें से ये सारी साइड्स को प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आया 3 सेंटीमीटर। तो जो एक साइड जो मिसिंग थी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कलर द फॉलोइंग फिगर्स। जो एरिया है, एरिया कैसे निकलता है? द सरफेस दैट इज कवर्ड बाय कलर्स इज द एरिया ऑफ द फिगर। अब जो एरिया होता है वो ये होता है कि हमने कोई भी एक शेप ड्रॉ करा है उसके अंदर कितनी जगह है वो हमारा एरिया कहलाता है। द एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। जो एरिया होता है हम उसको स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। व्हेन वी यूज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द यूनिट फॉर मेजरिंग वी से दैट द एरिया इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। फॉर लार्ज एरिया वी यूज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया एज स्क्वायर मीटर्स। अगर हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर्स लिखेंगे, लेकिन अगर हम लार्जर यूनिट को मेजर करते हैं तो हम उसको स्क्वायर मीटर्स लिखते हैं। ठीक है।